वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं जिया खान और सैयद जाकिर हुसैन भाई के साथ। तो जिया, मैं पूछती एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है जो मैं पूछना चाहती हूँ। अभी आपने कहा जैसे कि मेरी हाइट की वजह से मैं शायद आगे ना पहुंच पाऊँ उस जगह पे जहाँ आजकल की लड़कियां चली जाती हैं, और मैं हाइट की वजह से आ गई हूँ। मैंने अब जो लड़कियां आ रही हैं 50% मैं कहूंगी उन सबकी हाइट 5'5" या 5'6" है, और वो आती हैं बिलबोर्ड्स पे भी लग गई, उन्होंने ब्रांड्स भी कर लिए, तो ये क्या उनमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटी थी जो कि मुझे नजर नहीं आती? तो क्या लगता है किस तरह वो यहाँ तक पहुंची हैं? ये जो आपने सवाल किया है, मैं खुद बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया है। कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि जिया काफी जगह गई होंगी, कुछ कंपटीशन हमारे आजकल जो हो रहे हैं जो डिमांड करते हैं 5'7" हाइट चाहिए, 5 ये चाहिए, बट वहाँ अक्सर लड़कियां जो सिलेक्ट होती हैं वो ऑलमोस्ट 5'6" या 5'5" की होती हैं। तो कैसा लगता है जब वो तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं और तुम्हारी जगह किसी और को रख लेते हैं? नहीं, पता है क्या होता है, ये कॉनन कि मैं इन कंपटीशन में पहली बात ये गई नहीं हूँ। एक बार मैं गई थी, ने कहा कि नहीं सॉरी आपकी 5'7" हाइट नहीं है तो उससे कम में हम आपको लेंगे नहीं। तो उसके बाद मैं डिसहार्टेंड भी हो गई थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जब मेरी 5'7" नहीं है तो क्यों जाऊं। फिर मैंने देखा कि नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी मुझसे भी छोटी 5'4" हैं, 5'5" हैं, और वही बात है कि बिलबोर्ड पे भी हैं, और ये कि बहुत आगे जा रही हैं, उन्होंने कटोर वीक्स भी किए हैं और उसके अलावा फैशन वीक्स भी किए। तो फिर यहाँ के हम लोग थोड़ा सा होते हैं कि यार फेवरेटिज्म बहुत है इस फील्ड में, फिर यहाँ दिल चाहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, क्यों हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। या तो उनके लिंक्स कुछ ऐसे होते हैं या उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट होते हैं जो शायद हमें इतने गर्व नहीं है कि हम वो बना सकते। बिल्कुल, तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है, हमें जो काम इज्जत से मिल रहा है हम घर बैठ के कर रहे हैं, इतना काफी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं ना, साथ भाई ऐसी उम्मीद से आती हैं और उनको अच्छी पर्सनैलिटी होने के बाद, अच्छी हाइट होने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाती हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन के और ताल्लुकात के बेसिस पे आगे आती हैं, वो 6 महीने में ऊपर तो आ जाती हैं, फिर उनको नीचे जाने में भी वही टाइम लगता है। इसलिए कि वो चीजें देर पा नहीं होती। आप कब तक छोटे कपड़े पहनेंगे, कब तक वल्गर पोसेस, और कब तक वो फेवरेट, और जिसकी आज फेवरेट है अगले साल उसकी कोई और फेवरेट होगी। इसलिए कि वो जो उसको बनाने वाला है उसको तो 10 और को भी बनाना है, तो इनका बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। मगर ठीक है, अच्छा काम कर रही, कोई बात नहीं। मगर जो ऊपर लोग बैठे हैं जो सिलेक्ट करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, उसमें भी ये चीज फेयर नहीं है। 25 लड़कियों को बुलाया जाता है, 3 ऐसी लड़कियां चुन ली जाती हैं जिनकी ना शक्ल होती है ना कुछ होती है, और बाकी 22 को घर भेज दिया जाता है। तो कौन है क्राइटेरिया, जजेस कौन है? जजेस का कोई उनसे ये सवाल करे कि जो बैठ के जज कर रहे हैं उनकी सोच क्या है कि आप किस बेसिस पे ले रहे हैं? आप हाइट पे ले रहे हैं, आप ब्यूटी पे ले रहे हैं? आपको पता है 94 में ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन से हारी थी मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में। सुष्मिता सेन जो है वो मिस इंडिया बनी थी और ऐश्वर्या राय फर्स्ट रनर अप थी, जबकि ऐश्वर्या ज्यादा खूबसूरत है। मगर सुष्मिता सेन जीती थी अपने क्वेश्चन एंड आंसर IQ पे। तो इसी तरह यहाँ क्या लेवल है? यहाँ तो कोई सवाल जवाब नहीं होते, यहाँ तो लाइन से खड़ा कर दिया जाता है, कहते हैं चल के दिखाओ। यहाँ तो सैक्रिफाइस जो हमारी कमिंग शायद वो कोई किसी कंपटीशन में जीत भी जाए, जो मुझे 90% चांसेस नजर आ रहे हैं जिस पर बड़ी मेहनत की जा रही है, आती ही लड़कियां बाल कटवा लेती है। भाई ये सवाल मेरे जहन में, कि क्या सोच के बालों को कटवा देती है? क्या लाइक हम लोग टॉप मॉडल बन गई हैं? नहीं, वो जब बाल छोटे हो जाते हैं और कपड़े छोटे हो जाते हैं बकौल आपके साइड पे, तो दे थिंक दे सेल्फ के ये लोग बहुत ही कोई बड़ी मॉडल बन गई हैं। बहुत अफसोस की बात है, बाल छोटे हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, डांस पार्टियों में शराब की ग्लासेस हाथ में आ जाते हैं, तो सिगरेटें शुरू हो जाती हैं। इससे कोई मॉडल नहीं बनता, मॉडल अपनी मेहनत से बनती है, मॉडल अपने गट से बनती है, अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी लगन से। पार्टियों में जाके कोई नहीं मॉडल बन सकती। जो मैं इस चीज के बड़े इख्तलाफ करता हूँ कि जो लड़कियां समझती हैं कि हम हर सैटरडे को पार्टियों में जाएंगी और हम मॉडल बन जाएंगी, तो वो मॉडल नहीं बनती, कुछ और बन जाती है। तो काम पे फोकस करना चाहिए लड़कियों को। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखें कॉनन और जाकिर भाई भी मुझे समझाते रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। अब जैसे मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है, मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, आप जाते हैं तो भाई मॉडल की कोई लिमिट्स नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करने आए हो ना, आपकी फैमिली भी देखी जाती है, आपका बैकग्राउंड भी काउंट होता है। तो ये चीज नहीं होती कि नहीं उनका लॉन्च में थे तो मैं यही कह रही थी वहां लड़कियों को बैठ के, मैंने कहा हर चीज हमारी पता चलती है। बिल्कुल, हम ये समझते कि मैं भी हम लोग बहुत छुपे हुए होते हैं और हम पब्लिकली आके वॉक करके चली जाती है, बट मॉडल्स का एक एक बैकग्राउंड, एक एक बात सबको पता होती है कि ये लड़की कहाँ से आई है, ये कहाँ जाती है और क्या करती है, ये तो सबको पता होता ही है।
और जिया किसी मॉडल या डिजाइनर के साथ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा, सबके साथ बहुत अच्छी मैं भी रहती हूँ और सब मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। और किसी फैशन शो में बहुत ही बुरा कुछ हुआ हो कोई भी? हाँ, ऐसा तो होता है कि कभी लेट हो जाते हैं फैशन शोज, हम लोग बैठे हुए मतलब रेडी हैं लेकिन अभी नहीं स्टार्ट हुआ, और कभी ऐसा होता है कि वेदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस तरह तो होता है, लेकिन खैर हम लोग काम करते हैं अच्छा सा और अपना काम हम नहीं, आप बताए ना, कुछ कोऑर्डिनेटर ऐसे भी होते हैं जो आपको कहते हैं हम अपने शो में लेंगे और शो वाले दिन तक आपको इन्फॉर्म नहीं करते कि हाँ ये है कि ऐसा, और फिर उस शो को जब ये कर लेती हैं तो फिर दो दो तीन दिन तक पैसे भी नहीं देते। ऐसे भी कोऑर्डिनेटर हैं जो 12-14 साल से इंडस्ट्री में बैठे हैं और दुनिया का पैसा खा रहे हैं, लड़कों का पोर्टफोलियो के नाम पे पैसा खा रहे हैं और हर 3 महीने बाद दफ्तर बदलते रहते हैं, ऐसे भी ब्लैक लिस्टेड कोऑर्डिनेटर हैं। इट्स ट्रू जाके भाई क्या है, मैं क्या करना है आपको? मैं देखिये, असल बात यह है कि मैं आपको अपने ब्रांड का बताऊं कि जिस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, आपने भी हमारे ड्रेस पहने, जिया खान ने भी, आई लव दिस आउटफिट, ये लास्ट नाइट भी मैंने पहना था उस इवेंट में और सबने मेरी पिक्चर देख ली, 700 लोग की ऑडियंस बिल्कुल पागल हो गई थी देख के, वो तो खैर कुनैन को देख के पागल हो ही जाते हैं, तो माशाल्लाह ये है ही इतनी अच्छी। कि हमारा जो ब्रांड है एनकेसी, ये मेरी भाभी का नाम है, नर्जिस कामरान कलेक्शन, ये उनकी न्यूयॉर्क में बुटीक है, मैं यहाँ से कपड़े डिजाइन करके बना के न्यूयॉर्क भेजता हूँ और मेरी भाभी वहाँ पे हाउस ऑफ फैशन डिजाइनर्स बुटीक रन करती है, पाकिस्तान के और भी बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े वहाँ पे है। अभी उमर सईद हमारी जो बहुत बड़े डिजाइनर है, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल डिजाइनर है, पाकिस्तान के वाहिद वैसे ब्राइडल डिजाइनर है कि उनसे अच्छा कोई नहीं बनाता ब्राइडल, उनसे भी मेरी भाभी की मीटिंग हुई है उमर सईद से और वो भी शायद आगे अपने कपड़े हमारे एनकेसी बुटीक न्यूयॉर्क में रखवाएं। तो अब आपको पता है न्यूयॉर्क में ही 1 मिलियन पाकिस्तानी है, अब वहाँ पे 10 लाख पाकिस्तानी रहते हैं फैमिलीज के साथ और उन सबको जाहिर बात है वही कपड़े चाहिए जो यहाँ होते हैं, वहाँ इतनी कोई बुटीक्स है नहीं, टेलर नहीं है, डिजाइनर नहीं है, बहुत कम है। इसलिए हमने ये मेरी भाभी ने ये बुटीक वहाँ बनाई एनकेसी के नाम से न्यूयॉर्क में, तो लॉन्ग आइलैंड में, कि वहाँ पे जितने पाकिस्तानी फैमिलीज है वो अपनी मर्जी से आके कपड़े सेलेक्ट करें और अगर वो अपने डिजाइन देते हैं तो हम विद इन 2 to 3 weeks उनका डिजाइन यहाँ आके स्टिच करके बना के फिर उनको DHL कर देते हैं। तो यानी उसमें उनकी अल्टरेशंस भी होती हैं, उनके कपड़े भी उनकी मर्जी के मुताबिक, हमारी एग्जीबिशंस होती हैं अभी हमारी। और अगर किसी को जाके भाई आप ड्रेसेस ऑर्डर करना हो तो किस तरह कर सकते हैं? बेसिकली तो अभी हमारे ये कि जो भी कपड़े यहाँ बनते हैं हम यहाँ फैशन शो ये शूट कर लेते हैं, मगर सेल सारे न्यूयॉर्क में होते हैं, यहाँ तो डिजाइनर आपको पता है गली गली बैठे हुए, यहाँ तो कोई भी किसी भी शो में अपने 12 जोड़े चलाता है वो कहता है मैं डिजाइनर बन गया। तो मगर बेसिक बात है कि भाई आप केचर कहाँ कर रहे हैं, आप मार्केट कहाँ कर रहे हैं, लोग आपको कहाँ अप्रोच करें, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गली में कोई डिजाइनर बैठा है, हर गली में। पाकिस्तान की आवाम को मैं समझता सिर्फ 2 काम आते हैं, एक ब्यूटिशियन बनना औरतों को या मर्दों को या डिजाइनर बनना ही, इट्स ट्रू आके भाई हर गली में, और मॉडल बनने की भी जहाँ तक बात है, और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है लड़कों पे कि बेचारा हर लड़का मॉडल बनना चाहता है, हर लड़का, मगर उसको ये नहीं पता मैं जाऊँ कहाँ, जहाँ जाता है। और कभी कभी मैं बहुत रूट फील करती हूँ कि जब मैं जवाब रिप्लाई करती हूँ किसी मेल मॉडल को कि ये काम मिला था, आई मीन कुछ और भी कर सकते थे, आप लोग पढ़े लिखे लड़के हो माशाल्लाह से अच्छे घर से हो, तो ये क्यों होता है सर लड़कों के साथ जाके भाई इतनी नाइंसाफी? लड़कों के साथ इसलिए हमारी इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जो लड़कों को ग्रूम भी करते हैं, असल बात यह कि मोस्टली देखें ना आप मीडिया में अच्छी फैमिलीज के लोग बहुत कम हैं, अब कुछ लोग ऐसे हैं बहुत ही नीचे से उठ के आए, अब वो कहना पैसे कमाना, अब वो एक कैमरा मैन रख लिया, एक छोटा सा कमरा लेके बदर पे या Phase 2 में उन्होंने 10,000 का एक स्टूडियो बना लिया, ले लिया किराए पे, वहाँ पे कैमरा मैन बिठा दिया, अब मॉडलिंग एजेंसियां बना ली हैं बड़े बड़े नाम से, अब वहाँ पे बेचारे घरेलू शरीफ लड़के पढ़े लिखे लड़के आते हैं उनसे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, हम आपको सुपर मॉडल बना देंगे, आपकी बिल बोर्ड्स लग जाएंगे, रोज वो 5,000-10,000 लड़कों से खा के गायब हो जाते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, वो बेचारे भटकते रहते हैं हम कहाँ जाएं। आज कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं दे सकते, तो फिर उनसे दूसरी गिव एंड टेक्स की बातें होती हैं, हैरान होती होगी, हम लोग तो इसमें रहते हैं हमें सब पता होता है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता कि इसमें होता क्या है, मीडिया में बच्चों से कहा जाता है कि आप पैसे नहीं दे सकते तो फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करें, ये कहाँ की शराफत है कि आप किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाएं, तो ये तो इससे बड़ा गुनाह तो कोई दुनिया में है ही नहीं,
कोई अपनी खुशी से कुछ कर रहा है वो अलग बात है, मगर ये कहना कि हम तुम्हें सुपर मॉडल बना देंगे और फिर वो गंदी गंदी ना ज़ेना मार्केट से चार टी शर्टें लेके तस्वीरें खींच दी, कहेंगे ये तुम्हारा शूट हो गया और ये रोज हो रहा है। और किसी मेल या फीमेल मॉडल के साथ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस, अल्लाह का शुक्र है बहुत ही तंग कर दिया कोई नई लड़की। 13 मई को हमारा शो हुआ था बीच व्यू क्लब में, आप भी थी उसमें, तो अनम यजदानी हमारी बहुत अच्छी ज्वेलरी आर्टिस्ट है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे अनम की ज्वेलरी बहुत पसंद है। तो बहुत ही अमेजिंग तो एक सिंगर है मुस्कान खान, शायद आपने नाम सुना होगा, तो वो वहाँ आई थी, उनको कोरियोग्राफर ने बुलाया था गाना गाने के लिए। तो खैर मेरा फैशन शो से ताल्लुक था, डिजाइनर्स थे मॉडल से, तो वहाँ बैठी थी अनम आई, तो उन्होंने अनम का एक सिल्वर का ब्रेसलेट था बहुत अच्छा पंजा टाइप ना, तो उसकी कीमत भी 15-20 हज़ार थी, मगर वो चांदी का था, मगर उसमें स्टोन्स लगे हुए थे। कहेंगे मैं गाना गाने जाऊंगी तो मैं ये पहनूंगी, मुस्कान खान ने कहा। अच्छा वो डिजाइनर इतने ज्यादा थे कि शो थोड़ा लेट हो गया, तो उनकी गाना गाने की बारी नहीं आई, तो वो अनम यजदानी का कड़ा लेके फरार हो गई। वो फरार हो गई। अब अनम यजदानी इतनी अच्छी खातून है, ज्वेलरी डिजाइनर, उनका फोन आया, मैं अगले दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी मुझे पता नहीं था, एक तो मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया था मुस्कान खान को, और वो कड़ा लेके आपका भाग गई। और वो अनम यजदानी को मैंने उनका नंबर दिया, अनम कह रही है कि राकेश साहब मैंने उनको फोन किया, तो वो एक्सेप्ट कर रही है हाँ मैं आपका कड़ा लेके भागी हूँ, मगर जिसने शो ऑर्गेनाइज किया उसने मेरी गाना गाने की बारी नहीं लाया, तो वो मुझे 50,000 देगा तो मैं आपका कड़ा वापस करूंगी, वरना मैं आपका कड़ा हड़प लूंगी। और मैंने फोन किया, मैंने कहा देखिए आप अपने आपको सिंगर कहती हैं, आप कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, आप एक 15,000 के कड़े के लिए अपना नाम तो ना खराब करें। तो कह रही है कि नहीं क्या होगा, आप मीडिया के सामने बोलना चाहते हैं तो बोल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर चैनल पे बोल दें, मैं तो बदनाम नहीं होंगी, हाँ मैं तो खुल के कह रही हूँ मैंने ये कड़ा चुराया। Oh my God, कुछ ऐसे भी लोग हैं व्यूअर्स, आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मीडिया इतना गंदा नहीं है, मीडिया बहुत अच्छा है और हम तो इसमें रहते हैं, काम करते हैं, तो ये तो हमारे घर की तरह फैमिली की तरह भी रहते हैं, और लड़ाई झगड़े चोरी फसाद ये तो हर जगह चलते रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक आते हैं ब्रेक के बाद।